बहुत धन्यवाद देता हूँ आप लोगों को। 10:30 बजे से चलने वाला ये कार्यक्रम मध्याह्न काल में भोजन करने के उपरांत अभी भी चल रहा है। कुछ मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इस कार्यक्रम के प्रत्येक वक्ता की चर्चा, प्रत्येक वक्ता की बात आपके हृदयों में बैठी। एक बात मैं कहना चाहता हूं, अभी डॉक्टर साहब ने बहुत चर्चा की लेकिन कार्य बहुत कठिन बताया, और कठिन है, इसमें कई दो राय नहीं, लेकिन एक बात समझ लीजिए, ये गर्व से कहिए कि हम भारतीय हैं, नहीं कहेंगे आप, नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे ना। मैं ऐसे नहीं कह पाता, मैं कुछ ठोस उसके साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहता हूं, कम मैं कहलवा रहा हूं। आज पूरी दुनिया में, इस भारतवर्ष में सबसे कम रेप हो रही है। आप आश्चर्य करेंगे मेरी बात सुनकर। ये डेटा, ये आंकड़े मैं कब बोलूं, क्योंकि 20 दिन हो गया है मुझे जो चारों तरफ हर घर में चारपाइयां डलवा रहा है, उसने मेरी भी चारपाई 20 दिन से डाल दी, इसलिए कब बोलूं। तो ये नोट कर लीजिए कि जो मैं ये आंकड़े दे रहा हूं वो किसी राजनीतिक की के नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है, जिस पर आप पूर्ण विश्वास करते हो, ये डेटा, ये आंकड़े नेट के, और नेट ये कहता है कि 1 लाख स्त्री पुरुषों में 132 रेप होते। रेप समझ गए सर कि नहीं समझे? और पाकिस्तान में 29 होते हैं, 1 लाख स्त्री पुरुषों में। अमेरिका में 29 होते हैं 1 लाख स्त्री पुरुषों में, और ऑस्ट्रेलिया में 29 होते हैं 1 लाख स्त्री पुरुषों में। ये तीनों देश बराबर के। अमेरिका में 27.3 है 1 लाख में, और हमारे भारत में 0.4। नहीं समझ पाए होंगे, अगर ये 4 हो जाए, 4 लाख हो जाए, तब 1 रेप आए। क्या स्थिति है भारत की बताइए? दबे स्वर में क्यों बोल रहे? सबसे कम
और जब सबसे कम है 0.04 तो आज हम सबसे अच्छे दुनिया में हिंदुस्तान सबसे कम उल्लंघन कर रहा है। इतना सब कुछ होते हुए मैं माना कि यहां विधवाओं की शादियां नहीं होती, मैंने माना भैया ये मोबाइल, मैंने माना कि विधवाओं की शादियां नहीं होती हैं, और मैंने ये भी माना कि विदेशों में जितनी भी विधवाएं हों चाहे सधवाएं हों कोई रोक नहीं है। क्या है? नहीं, ये भारत है, भारत ये कृपा है सिर्फ ऐसे संत और महंतों की जिन्होंने वेद शास्त्र पुराणों को बनाया और वेद शास्त्र पुराणों के आधार पर चलने की हमें भूमिका बताई, हमें बताया कि हमारा पुत्र हमारे आधार पर चाल चलेगा, हमारा पुत्र जैसा मैं बोलूंगा वैसे ही मेरा पुत्र बोलेगा, तब तो मेरा पुत्र है, अन्यथा मेरा पुत्र नहीं। ठीक है बात कि नहीं है? और हमारा पुत्र अगर हमारे आचरण पर चलेगा तभी हमारा पुत्र होगा। ये भारत ने सिखाया है, ये संत महात्मा ने सिखाया है और ये वेद पुराणों ने सिखाया है। ये मैं मानता हूं जो अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे, लेकिन उसी रामचरित मानस में ये लिखा है जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम मार देते हैं बाली को तो चर्चा उठती है, बाली कहता है मैं बैरी सुप्रीम प्यारा कारण कवन नाथ मर, मैं दुश्मन हो गया सुग्रीव आपके लिए प्यारा हो गया जब मैं भाई भाई हूं दोनों, और शायद अगर मुझे आप अपनी पार्टी में ले लेते तो रावण तुरंत दुरुस्त हो जाता और आपको सीता मिल जाती। लेकिन महात्मा तुलसीदास जी कहते हैं जे अध बधेउ व्याध जिम्मेबारी सोई सुकंठ पुनि कीन कुचारी सोई कर तूत विभीषण केरी सो सपने दिए राम। देखिए जे अध बहुत हिंदी शिक्षा निधि इस हिंदी शिक्षा के कार्यक्रम में आप जाते हैं। ये हिंदी की विशेषता है कि एक ही पर्यायवाची, एक के तीन तीन पर्यायवाची अलग अलग अर्थ रखते हैं। देखना ये अध अधमाने बोलो अगमाने पाप, जे अग बधे ब्याज जिम्मेवारी कैसे मारा है बारी को कैसे बध किया है बारी को बोलो, पहेलिया की तरह चौपाई को देखिए,
जे अग बधेउ प्याद जिम्मेवारी सोई सुकट उठ कोने की में पुचाली। बाली को बहेलिया की तरह मार दिया। क्यों मारा? क्या उसने रमा को रखा अपनी छोटी भाई की पत्नी को रखा? ठीक है। और सोई सुकंठपुनि की कुचाली। फिर भैया वही कुचलन किसने किया? सुकंठ माने नहीं जानते ना? सुकंठ माने सुग्रीव, सुग्रीव सु माने अच्छी, ग्रीव माने गर्दन। जितनी अच्छी गर्दन हो उसका नाम क्या है? सुग्रीव। और सुकंठ जिसका कंठ अच्छा हो उसका नाम क्या है? तो सुग्रीव और सुकंठ एक ही तो हुआ। तो सोई सुकंठ पुनि कीन कुचाली। सुग्रीव ने वही कुचलन चला। जब आपने बाली को मार दिया, बाली के मारने के बाद जब उसकी पत्नी तारा रह गई, तो तारा की शादी सुग्रीव के साथ हुई और सुग्रीव की पत्नी कौन थी? रोमा। तो रोमा भी उसके साथ रही और तारा भी उसके साथ रही। उसको आपने नहीं मारा क्योंकि वो आपका कार्यकर्ता था। पक्षपात कर रहे तो महात्मा तुलसीदास जी कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। कह क्यों? कह एक और सुन लीजिए तो जवाब इकट्ठा दे दूंगा। क्या? कह सोई करतूत विभीषण के ही। वही करतूत किसने की? विभीषण ने। मंदोदरी के साथ विभीषण ने भी मंडप पर खड़े होकर शादी की। विभीषण कौन है? बोलो, रावण का भाई। रावण का भाई। रावण किस कुल में का है? उत्तम कुल कुलस्थ करनाती सारस्वत ब्राह्मण है। बोलो पंडित जी, सारस्वत ब्राह्मण से कोई और बड़ा है? नहीं। तो सारस्वत ब्राह्मण है और जो उच्च ब्राह्मण है उसने शादी की किससे? भाभी से। तो सोई करतूत विभीषण के ही सो सपने हुई राम न। तो हमें स्वीकृति देती है, हमारी रामायण स्वीकृति देती है, हमारा ग्रंथ स्वीकृति देता है। जहां उचित समझा है संत और मान। और इसीलिए बता रहे हैं कि ये हिंदी है, इंग्लिश में आपसी अलग है, लुक अलग है और बात अलग है। अलग अलग शब्द आप कहीं भी प्रयोग कर लो इकट्ठा, लेकिन इनके इकट्ठे प्रयोग नहीं होंगे। अग महापाप पर प्रयोग होगा। अग माने सबसे बड़ा पाप और कुचाली। कुचलन तो चला है क्योंकि एक शादी होनी चाहिए, एक पत्नी व्रत रहना चाहिए, लेकिन दो पत्नियां की। कैसे की? आदेश राम का, लक्ष्मण गए शादी।
और वही हुआ विभीषण। मैं कहना ये चाहता हूं कि हमको वेद पुराण शास्त्र कहां अनुमति देते हैं कहां नहीं देते हैं उसको हमको देखना पड़ेगा। लेकिन हम भी अब बहुत नीचे में जा रहे हैं, बहुत चरित्रहीनता हो रही है। गीता चतुर्वेदी से मैंने पूछा था, चतुर्वेदी जी मेरा मन नहीं रहा, मेरी बात संकेत में आप सुन लो, फिर ग्रंथ देखना और फिर चिंतन करना। मैं वहां से नहीं चलता। जब शिशु आपकी गोद में आ जाता है, बल्कि मैं वहां से चलता हूं जब शिशु आपकी इस कक्षा में आ जाता है। और जिस दिन कक्षा में शिशु आ जाता है उसके बाद 9 महीने तक आपकी विचारधारा क्या रहेगी चतुर्वेदी की? क्या शिशु में वो विचारधारा नहीं बैठेगी? तो उसे मत छोड़िए, मत छोड़िए। इसीलिए मैं कहता था क्या साहित्य करो, तो आप आराम से कह सकती महिलाओं के बीच। आप समझाइए पहला भक्त की कथा कि इतने सुल्तान हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद, और जब आ जाता है देवर्षि नारद के आश्रम में, वहां पालन पोषण होता है, वहां उनके प्रवचन सुनता है, तो वो उस कक्षा में रह करके वो जैसा मंत्र बोलते हैं वही मंत्र वो भी बोलने लगता है कक्षा में रह के, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज इन सारी बातों को हमें विचार करना, हम चल कभी पाएंगे इन देशों में? हमारी स्थिति जो आज नंबर एक है, हम नंबर एक फिर रखते हैं टाइम। अगर आप ये पूछे सजा भी, इन सभी देशों की सजा भी मैंने नोट की है, सबसे बड़ी सजा है चीन में, और चीन में जो देव होते हैं वो कितने होते हैं? 1 लाख पर डेढ़, सबसे कम हो गया 1 लाख पर डेढ़ रे। लेकिन सजा क्या है? सजा है तुरंत उसको पकड़ के सिद्ध जैसे ही हुआ तो या तो गोली मारी जाएगी यहां, या मारी जाएगी इस रीढ़ की हड्डी में, ताकि वो हमेशा अपने जीवन भर उसका पश्चाताप करता रहे और जीवन को काटता। वहां लोकतंत्र नहीं है। तो सबसे कम यहां है परिस्थिति सजा की है। आज हमारे यहां सजा अधिक से अधिक है, तो आजीवन, अब आजीवन की है। 3-4 साल पहले जब वो दिल्ली में कांड हुआ था तब से ये सजा हुई है। अन्य अन्य देशों में इसी के एटे पेटे में सजा, लेकिन देखो चरित्रहीनता है बहुत हमारे यहां नहीं। हम सभी से अच्छे दुनिया में भारत वर्ष से चरित्रवान देश कोई भी नहीं है, ये मैं दावे के साथ कह सकता। लेकिन कुछ झूठ लगती है बात, बोलो ये बात झूठ लगती है? दादियों की गड़गड़ाहट बहुत धीमे हुई है। अगर आपको झूठ लगती हो तो भैया दूसरी बात है।
इसलिए आज याद कर लो कि हमें अपने परिवार को अच्छा बनाना है। अगर हमने अपने परिवार को अच्छा बना लिया और इन बहन बेटियों से माताओं से इनसे मेरा ये अनुरोध है कि वो अपने शिशु को अच्छा बना ले, और शिशु अगर अच्छा बन गया तो फिर शिक्षा में उसे अच्छा बना देंगी, और जब शिक्षा में अच्छा बन जाएगा तो उनसे उत्तम समाज परिवार कोई दूसरा नहीं रहेगा। धन और दौलत की वो आवश्यकता नहीं है, धन दौलत की आवश्यकता तब है जब आपका परिवार सुंदर हो। आज हम तभी अच्छे हैं, बड़े आदमी तभी हम बनेंगे जब हमारा परिवार चरित्रवान हो। अगर हमारा परिवार चरित्रवान नहीं है तो हमें कोई बड़ा आदमी मानेगा? बोलिए, नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, बड़ा आदमी नहीं मानेगा। तो बड़ा आदमी बनना है तो चरित्रवान बनना होगा। धन दौलत साथ सज्जा ये तो आप ही लोग कहते गए, और इससे कोई बड़ा नहीं बन सकता। और अंत में एक बात, उसके बाद नहीं बोलूंगा, वो बात ये कि विश्वकर्म तो सभी ने सुना है, नहीं सुना? विंस्या सुनिए, कितने लोगों ने सुनी है, हाथ उठाना। गिरल आज अगर उधर जाओ तो विंस्या के राजा के किले पर चढ़ जाना और किला पर चढ़ के देखना जाकर कि उस राजा की नातिन की जो नातिन है वो आज राजा के रहने वाले स्वीपर झाड़ू वाले मेहतर की नातिन की नातिन एक होकर चल रहे हैं। अब ज्यादा मैं नहीं कहना चाहता, समय परिवर्तनशील है, समय जवाब देता है, समय कभी रुकता नहीं। दौलत बहुत जल्दी भगाती है, पंडित जी बताइए, दौलत अगर गलत कमाओगे बहुत जल्दी भगाएगी। और एक बात बता देना कि जिस घर में विधवाएं अधिक होंगी वो घर अच्छा होगा, या जिस घर में विधवा एक नहीं होगी वो घर अच्छा। बोलो पंडित जी, जोर से बोल दो, जिस घर में विधवाएं होंगी वो घर अच्छा नहीं होगा। इसलिए अगर कोई विधवा आई है, विधवा हो गई है, तो उसके लायक कोई लड़का देखो और मंडप के नीचे खड़ा करके उसकी शादी करो। ये वेद कहता है, पुराण कहता है, शास्त्र कहता है, इसका कोई उल्लंघन नहीं है। और जो नहीं करेंगे उनका परिवार सुंदर नहीं करेगा। इसलिए ये दो ही पॉइंट्स थे, बहुत पॉइंट में तिवारी जी ने तो बहुत ही कह दिया सब कुछ, अच्छी भी बातें कही, खराब भी बातें कही। खराब तो मेरा मतलब निम्न स्तर की, सब प्रकार की उन्होंने चर्चा यहां। मैंने आप लोगों को इसीलिए बुलाया था, मैं थोड़ा निराश हो गया था जब डॉक्टर साहब का कार्यक्रम नहीं हुआ। इन्होंने चले गए वो मिश्रा जी, कहा मिश्रा जी ने कहा उनका कार्यक्रम लगा हुआ है इलाहाबाद में, किसी तरह से कार्यक्रम लो, उनके बगैर नहीं बनेगा।
और नहीं बनाने का, हम तो 10 मिनट बोले तो खांसी शुरू हो जाती है। तो उन्होंने एक एक बात यहाँ समझाई हम लोगों के सम्मुख। वो वास्तव में ऐसी चर्चाएं हैं जो आज समाज के सामने होनी चाहिए। और एक अनुरोध आपसे सभी से कि ये टूटते समाज का मार्गदर्शन पढ़ने में, बोलो पढ़ोगे? पढ़ोगे? यज्ञाचारिगण हाथ उठाओ, पढ़ोगे? सभी सभी पढ़िए, चाहे चार पेज पढ़ो पढ़ो। अगर आप पढ़ने लगे तो फिर आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई दूसरा नहीं बताएगा, आप स्वयं बताओगे, बोलोगे जैसे रामचंद्र बोल रहे। मेरा सीना फूट गया जब मैंने सुना कि राम शरण ने लेखराजपुर हवेलिया में कार्यक्रम था, हवेलिया में राम सेवक के, उस कार्यक्रम में उन्होंने बताया। सिर्फ उन्होंने राम सेवक जी ने एक प्रश्न डाला था कि सिर्फ ये बताओ कि समाज में बड़ा आदमी कौन है। इन्होंने एक ही श्लोक कह दिया, अष्टगुणापुर शब्दीपेम तमाम, और एक एक शब्द का अर्थ। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग अध्ययन करें, अध्ययन करके चर्चा करें। आज आप बड़ी संख्या में आए हो और सभी चर्चाओं को सुना है, मैं समझता हूं कि आप उन पर चलेंगे और समाज सेवा समिति के झंडे को ऊंचा रखेंगे। क्या बात थी, हमने क्या कहा था, दुनिया में सबसे बड़ा देश भारत। ये गर्व है हमें कि हम भारतीय हैं, भारतवासी हैं। हमारे यहां सबसे कम रेप होता है, रेप सारे देशों में हमसे ज्यादा होता है। लेकिन दूसरी तरफ हमें रोकना पड़ेगा, हमें वेदशास्त्र पुराणों को अध्ययन करके चर्चा करनी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय समाज, जय भारत।